जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक करंट अफेयर्स की जो वीडियो लेके आया हूँ, जून और जुलाई मंथ के जो टॉप 15 करंट अफेयर हैं हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो लेकर आया हूँ। और ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत कितना समर्थन मूल्य की वृद्धि हुई है? तो ये हाल में ही वृद्धि की गई है, 1 रुपीज़ की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं के लिए आयु सीमा कितनी है? तो इसमें महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है, जबकि पुरुषों के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 45 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिमला जिला के किस स्थान पर नई सब्जी मंडी का शिलान्यास किया गया? तो ये है दाड़नी, बगीचा के पास है। अभी अभी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने जो है इसका शिलान्यास किया है और ये नई सब्जी मंडी जो है बनकर तैयार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक जो है जयपुर राजस्थान में हुई है। अभी अभी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, 22वें सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पड्डल मैदान जो मंडी में किया गया था। इसके साथ साथ 6th क्वेश्चन है, हिमाचल पुलिस का 14वां जिला कौन सा होगा? तो ये है नूरपुर जिला। हिमाचल पुलिस के जो अभी तक 13 जिले हैं उनमें से एक बद्दी पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, बाकी 12 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ये 14वां जिला जो है ये नूरपुर में खुलने जा रहा है। इसके साथ साथ 22वें जो सब जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था वो मंडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन जो है वो है, प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय का भवन कहाँ बना? तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अब हिमाचल प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय 2 यूनिवर्सिटी होंगी, पहली जो शिमला में, दूसरी मंडी में होगी। 8वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत कितना उपदान सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये 31,000 जो है उपदान सरकार द्वारा दिया जाता है और ये BPL फैमिली के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन विकास योजना के तहत बेसहारा गायों को पालने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो ये 700 रुपये पर माह दी जाती है। पहले ये थोड़ी कम थी, अब बढ़ाकर जो है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने इसे 700 पर माह कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू देश की कौन सी राष्ट्रपति बनी? तो इसका सही आंसर है 15वीं राष्ट्रपति। दोस्तों ये देश की पहली आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति बनी है, पहला आदिवासी कोई राष्ट्रपति बना है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कौन से मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है? तो अभी अभी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मिंजर जो चंबा का मेला है वो उसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा और ये इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतनाथ मंदिर जो मंडी में है उसका आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शिखर स्टाइल। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो इनका नाम है अमजद एहतशाम सईद। 14th क्वेश्चन है, हिमाचल के किस जिले को नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुना गया है? तो इसका सही आंसर है चंबा। जो नीति आयोग ने थे 100 डिस्ट्रिक्ट जो थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का चुनाव किया था और उसमें से चंबा भी एक है। इसके साथ साथ 15th एंड लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का नया राज्य सूचना आयुक्त कौन बना? तो इसका सही आंसर है SS गुलेरिया। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आज आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को एक्सप्लोर करें। सब इंस्पेक्टर की वीडियोस डाली है मैंने, कांस्टेबल की वीडियोस डाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय हिमाचल।